नमस्कार, प्रभात खबर के विजुअल सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता तन्वी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में कफ एंड कोल्ड की समस्या हर किसी को होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए होम्योपैथी में क्या उपाय हैं, क्या उपचार हैं, यह बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई दिल्ली की होम्योपैथी डॉक्टर मानसी चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक डॉक्टर मानसी जी, आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न यह होगा कि सर्दी खांसी के उपचार में होम्योपैथी कितना कारगर है? सर्दी और खांसी दो वजह से हो सकती है, या तो एलर्जीज की वजह से और या इन्फेक्शन की वजह से। एलर्जीज का मतलब है कि जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, जो आसपास हमारे किसी को और तकलीफ नहीं देती हैं, वो सारी चीजें आपको तकलीफ दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज ऑफ वेदर हो गया, या कोई खाने की चीज हो गई, या जैसे दूध हो गया, कोई फल हो गया, जो सबको तकलीफ नहीं देती है लेकिन कुछ कुछ लोगों को तकलीफ दे सकती है। एक कारण एलर्जीज हो सकता है, दूसरा इन्फेक्शन जो ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन होते हैं। दोनों ही सूरतों में होम्योपैथी बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है। हमारी हमारे खून में एक चीज होती है जिसको कहते हैं WBC सेल्स, श्वेत सेल्स, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। होम्योपैथी लेने से ये जो WBC सेल्स है इसकी मात्रा बढ़ती है, जो हमारी जो हम जिसका मतलब है कि इम्यूनिटी बेटर होती है और हमारी बॉडी ऐसे इन्फेक्शन को फाइट करने में कर्मरत रहती है। होम्योपैथी आप जितना करोगे, जितनी जल्दी करोगे, उससे आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी और आपको कम से कम सर्दी और खांसी जैसी तकलीफों का सामना करना होगा। जी, क्या आप हमारे दर्शकों को यह बता सकते हैं कि कॉमन सर्दी खांसी में होम्योपैथी में कौन सी दवाएं हैं जिन्हें ले सकते हैं? होम्योपैथी थोड़ा फर्क तरीके से काम करती है, वो बीमारियों के नाम के ऊपर नहीं काम करती है, वो लोगों के ऊपर काम करती है। हर इंसान की इम्यूनिटी फर्क होती है, उनका इम्यून सिस्टम फर्क होता है, इसीलिए भले ही सबको सर्दी खांसी होगी लेकिन किसी का नजला ज्यादा होगा तो किसी को खांसी ज्यादा होगी, किसी को रात में ज्यादा तकलीफ होगी तो किसी को दिन में ज्यादा तकलीफ होगी, किसी को ज्यादा भूख लगेगी, किसी को कम भूख लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जो हर एक इंसान को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। जब जब एक जना एक होम्योपैथ के पास आता है, वो थोड़ा समय लेकर इन्हीं सारे लक्षणों को अच्छे से डिटेल में आपसे पूछते हैं और आपकी इम्यूनिटी के ऊपर में कितना फायदा है, क्या है, उसके ऊपर आपको दवा देते हैं। कुछ कुछ जो बहुत अक्सर दवाइयां दी जा सकती हैं वो है कैल्केरिया का, पल्सिटिला, एंटमटाट, एंटमक्रूड, कैल्केरिया फ्लोर, ये सारी जो दवाइयां हैं ये अक्सर सर्दी खांसी में काम करती हैं। साइलेशिया भी एक दवाई है जो लोग अक्सर लेते हैं तो इससे उनको बहुत फायदा होता है। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो आप अपने होम्योपैथ के पास जाइए और वो आपको आपके लक्षण देख के रात को दवाई बताएंगे, तभी आपको सबसे अच्छा बेनिफिट। कि आपने जैसे कुछ मेडिसिन्स की बात बताई तो नाम बताया, तो आप हमें ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि उसका डोज क्या होगा, बच्चों के लिए क्या डोज ले सकते हैं और बड़ों को क्या दे सकते हैं? होम्योपैथी की जो डोसेज है वो मिलीग्राम के हिसाब से और लोगों के वजन के हिसाब से नहीं होती है, उसको हम पोटेंसी कहते हैं, जो एक फर्क तरीके से बनती है, जिसको होम्योपैथी की लैंग्वेज में डाइल्यूशंस कहा जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो बुजुर्ग हमारे हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, उनके लिए लोअर पोटेंसी जिसको हम 6 कह सकते हैं, 30 पोटेंसी कह सकते हैं, 200 पोटेंसी कह सकते हैं, उनमें ज्यादातर फायदा करती है। जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, उनको हम थोड़ी हायर पोटेंसीज दे सकते हैं, जैसे 200, 1 m या 10 m, लेकिन वो आपको आपके होम्योपैथ के पास जब आप जाओगे तो वो आपका लक्षण देखकर आपको सही पोटेंसी बता पाएंगे। और जो अक्यूट सर्दी खांसी होती है उसमें अगर आप दिन में 2 से 3 बार, 2-3 दिन के लिए आप दवाई लोगे तो उससे आपको बहुत जल्दी आराम।
आपकी ओर से आप क्या प्रिफर करेंगी? सर्दी खांसी में जब सामान्य लक्षण या हल्के लक्षण रहते हैं तभी दवाएं ले लेनी चाहिए, या फिर जब लक्षण बढ़ जाते हैं तब अप्लाई करना चाहिए? जैसे ही आपको पहला लक्षण दिखता है, आपको लगता है कि अब शायद मुझे सर्दी होने वाली है या मेरी तबीयत खराब होने वाली है, आप तुरंत से होम्योपैथी दवाई शुरू कर सकते हैं। उससे उससे वो वहीं पर इन्फेक्शन या एलर्जी है वो वहीं पर रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं, आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी, उसी में आप संभल जाएंगे एक दो दिन में। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, आप तुरंत से ही दवाई शुरू कर सकते हैं, रुकने की जरूरत नहीं। जी मैम, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी अपने दर्शकों की ओर से, कि होम्योपैथी की दवाएं लेने में किसी तरह का रिस्क है, किसी तरह की जोखिम है, कोई हाँ, एलर्जी या फिर साइड होम्योपैथी इफेक्ट्स? होम्योपैथी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उससे लेने से कोई रिस्क नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो एग्जैक्ट जो हम दवाई है उससे थोड़ी आगे पीछे आसपास की दवाई दे देते हैं, तो उतना शायद असर या उतना बेनिफिट और उतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा या हद से हद, बहुत ही रेयर रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है कि कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उससे एग्रेवेशन होगा या उसे कोई एलर्जी होगी या उससे किसी भी तरीके से तबीयत और खराब होगी, ये मुमकिन है। तो आपको कोई रिस्क नहीं है, बेफिक्र होकर हर जना, बच्चा हो या बुजुर्ग हो या बड़ा हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, वो होम्योपैथी ले सकता है। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि वो खुद दवा ना लेकर एक होम्योपैथ के पास जाएं और उसी से उनको बेस्ट फायदा। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि होम्योपैथी की दवाएं लेने में किसी तरह की जोखिम या रिस्क नहीं है, तो आराम से डॉक्टर की सलाह से दवाएं ली जा सकती है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, कि होम्योपैथी की दवाएं ले रहे लोगों को खान पान में किसी तरह की परहेज या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, ऐसी अब कोई बात नहीं है। पहले जैसे ये कहा जाता था कि प्याज नहीं खाते हैं या कॉफी नहीं पीते हैं या चाय नहीं पीते हैं या लहसुन नहीं खाते हैं, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप जो भी आप दिनचर्या में आप अपने डाइट में लेते हैं आप उसे खा सकते हैं। बस इतना है कि दवाई के पहले और दवाई के बाद भी 10 से 20 से 25 मिनट तक आप कुछ मत खाइए, उससे क्योंकि हमारी जो दवाइयां हैं वो नसों के थ्रू जाती हैं, उससे बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, अच्छे से दवाई आपके शरीर में पहुंच जाती है। बस इतना ही परहेज है जो करनी है। हाँ, अगर किसी इंसान को विशेष किसी चीज से परेशानी है तो वो चीज उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन उसका होम्योपैथी से कोई संबंध नहीं है, उसका इंसान के अपने शरीर से संबंध है। लेकिन हमारी तरफ से आप जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे वो पी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को आपने बहुत अहम जानकारी मुहैया कराई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर जने को होम्योपैथी ट्राई करनी चाहिए, लेनी चाहिए, और बचपन से ही, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, छोटी उम्र में ही अगर आप होम्योपैथी का सेवन शुरू कर देंगे, कम से कम और दवाइयाँ देंगे, तो बच्चे की इम्यूनिटी बचपन से ही बेटर होगी, वो बड़े होकर ज्यादा अच्छी तरह अपने जीवन का को व्यतीत कर पाएंगे, इतना जो हमारा कंपटीशन चल रहा है, इतना स्ट्रेस है जीवन में, उसको बहुत अच्छे से ले पाएंगे, कम बीमार पड़ेंगे, और हेल्दी जीवन व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको होम्योपैथी दवाइयाँ ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए। और ये सब पुरानी धारणाएं हैं कि होम्योपैथ्स को मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती है या दवाई या उनको बीमारियों के बारे में पता नहीं होता है, उनको ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए या कैसे आपको करना चाहिए, ये सब नहीं है। हम होम्योपैथी में अब 5.5 साल की अंडर ग्रेजुएशन, 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है। तो जो अब की जो नस्ल होम्योपैथ की है वो बहुत अच्छी है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, और अगर आप होम्योपैथी करेंगे लेंगे तो उससे आपको आजीवन बहुत फायदा। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद आपका। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।